तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो फैन कोड ईसीएस टी टेन रोटरडैम लीग है, इसका भाई आज के दिन का तीसरा और चौथा मैच और टूर्नामेंट का 15वां और 16वां मैच जो कि खेला जाएगा वुरबर्ग वर्सेज सालैंड के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वहीं अगर बात करें भाई वुरबर्ग टीम की, तो भाई ये एकमात्र ऐसी टीम है जो अभी तक बिल्कुल अनडिफिटेड है, एक भी मैच भाई यहाँ पर अभी तक नहीं आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। वहीं सालैंड की बात करें तो भाई इनकी भी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊंगा क्या रही है टूर्नामेंट में, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो पहला मैच यहाँ पर खेला जा रहा है आज के दिन का, वो भाई हमारे लिए एक तरफा अभी तक जा रहा है, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अभी हम जो भी बात करेंगे इस मैच को लेकर वो सिर्फ एक डेमो टीम के बतौर बात होगी, फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए भाई अब बात करते हैं यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग की। तो भाई टाइमिंग रहने वाले, पहला मैच शाम को 4:30 पर खेला जाएगा, दूसरा मैच शाम को 6:30 पर। तो इन दोनों ही मैचेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लीजिएगा। वहीं अगर बात करें वेन्यू की, तो स्पोर्ट पार्क बर्मेक कैपेले नीदरलैंड में मैच खेला जाएगा। स्पोर्ट पार्क बर्मेक का तो भाई ये ग्राउंड रहने वाला और नीदरलैंड आपको पता लोकेशन है भाई। वहीं अगर बात करें पिच की, तो भाई बैलेंस्ड विकेट यहाँ पर आपको नजर आएगी, साथ ही यहाँ पर अगर बात करें बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प यहाँ पर आपको होने वाली है। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 80 से 100 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। अगर वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर भाई अभी तक 12 मैच कंप्लीट हुए जिसमें 7 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 5 मैच बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने विन किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब जो भी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करेगी उसको थोड़ा सा स्लाइटली एडवांटेज है, ज़्यादा नहीं है बट स्लाइटली एडवांटेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। दोनों ही टीम्स की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया वुरबर्ग की टीम भाई अभी तक अनडिफिटेड है, 4 मैच खेले, चारों के चारों विन करके आ रही। सालैंड की टीम ने पहला मैच विन किया, फिर अगेन लॉस लिया, उसके बाद फिर विन फिर लॉस, ठीक है। वहीं अगर बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए रहेगी, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, देखिए दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, ईजिली आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से आपके लिए यही रहेगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपके पास जो दूसरा तरीका है वो भी आप जो देख लीजिए, आप सीधा डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो @KPM321। सिंपली बस आपको इतना सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो ये सर्च कैसे करना है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेलीग्राम चैनल की, तो आपको सीधा सीधा टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके @KPM3 ओनली आप इतना लिखोगे ना, तब भी भाई आपको सबसे ऊपर हमारा चैनल दिख जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप पूरा यूजर नेम यूज कीजिए ताकि आपको सिर्फ हमारा ही चैनल मिले और भाई यही आप ज्वाइन कर लो, मतलब कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसी चैनल पर भाई फाइनल टीम आने वाली है, अभी अभी जो मैच स्टार्ट हुआ उस वो मैच हमारे लिए अभी तक तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, बाकी देखते भाई फाइनल टीम में क्या रिजल्ट रहते हैं, क्या कुछ रहता है। अभी के लिए मैच अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है। अब अगर बात करें दोनों टीम्स के लास्ट मैचेज की परफॉर्मेंस की, तो वो भी जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सालैंड की बात करें तो भाई लास्ट मैच ये हार के आ रहे हैं, इससे पहले भाई इन्होंने मतलब यहाँ पर आप कहाँ पे गए भाई सालैंड का मैच, तो यहाँ पर आप देखो भाई सालैंड अपना लास्ट मैच यहाँ पर हार के आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी तरफ से ओपनिंग करने आए थे अमित वारदाक, जिन्होंने 4 बॉल पर 9 रन बनाए। इसके अलावा विक्टर लबर्स की बात करें तो भाई 19 बॉल पर 22 रन बनाए। हालांकि इस टूर्नामेंट में एक भाई 70 के आसपास की नोक खेल चुके, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म बैट्समैन है, मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, लेकिन भाई अभी इस मैच में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए। यहाँ पर 19 बॉल पर 22 रन बनाए। आसिम खान की बात करें तो भाई 14 बॉल पर 26 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा जो रेंडर लबर्स हैं इनके अगर बात करें तो जल्दी आउट हो गए थे। गुल नासिर भाई कभी ओपनिंग कर रहा है, कभी वन डाउन आ रहा है, कभी भाई यहां पर 2 डाउन आ रहा है, कभी 3 डाउन आ रहा है, तो इनका बैटिंग ऑर्डर भाई बिल्कुल भी कंफर्म नहीं लग रहा, तो ज्यादा इनके ऊपर रिस्क लेना नहीं है। अगर भाई देखो ओपनिंग करेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, अदरवाइज भाई आप इसे सिर्फ और सिर्फ जीएल में ट्राई कीजिएगा। लोकेश कामती की बात करें तो भाई ये जल्दी मतलब रनआउट हो गए थे, इन्हें भाई डायमंड डक मिला था, बिना बॉल खेले रनआउट हो गए थे। वहीं अगर बात करें गिज वान डर मोलेनो, तो इन्होंने भाई यहां पर 6 रन बनाए।
इसके अलावा अखिल गोपीनाथ ने यहाँ पर 11 रन बनाए, इसके अलावा किसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं। बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पर 2 ओवर डाले, विक्टर लवर्स ने विकेट लेस गए, आपके लिए सीवीसी का अच्छा ऑप्शन होने वाला विक्टर लवर्स। देखिए इसके 2-3 रीजन है, एक तो भाई देखो ओपनिंग कर रहा है और भाई अच्छी खासी बैटिंग भी करके जा रहा है, हर मैच में आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, किसी मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी अगर अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो दूसरा काम जो आपको करना है वो क्या हो रहेगा वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो आपको विक्टर लवर्स को सीवीसी ट्राई कर लेना, दूसरा गुल नाज़ीर के बारे में ऑलरेडी बता दूँ, आसिम खान भी भाई यहाँ पर बॉलिंग कर रहा है प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, हमीद वारदाक भाई 2 ओवर प्लस ओपनिंग गजब की मतलब यहाँ पर जगह पर खेल रहा है और गजब की बॉलिंग भी कर रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा रेंडर लवर्स भाई इस मैच में भाई काफ़ी महंगा साबित हुआ, ऑलमोस्ट 50 रन बनवा दिए थे भाई 2 ओवर में, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस ये होने वाला है, ट्राई आप इसे करके चल सकते हो। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम की, फाइनल टीम तो आपको भाई सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए अगर डेमो टीम की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें बेस्ट डी लीड हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा अगर बात करें मोहम्मद नदीम मूसा नदीम की तो भाई यहाँ पर आप मूसा नदीम को ट्राई कर सकते हो, गजब का प्लेयर है, हर हाल में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आप ट्राई कर लेना आसिम खान को, लास्ट के कुछ मैच से अच्छी परफॉर्मेंस आ रही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एन गिगानी को मैं अपनी टीम में रखेंगे, इसके अलावा जी वांडर मोलन को मैं अपनी टीम में रखूंगा, वहीं अगर आप चाहो तो एम अलहारी अगर खेले तो भाई आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, बाकी लास्ट मैच में ये खेला नहीं था। विक्टर लवर्स एच वारदाक दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इसके अलावा नीचे आप चलोगे तो आर वाहिद आपके लिए इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर भाई आपके लिए विव किंग भाई इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा गुलाम नासिर आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, ए गोपीनाथ को आप अपनी टीम में रख सकते हो, इसके अलावा एक आसिम अहमद और ऊपर से भाई यहाँ पर एन सिंह, ये दो हमारे लिए मेन गेंदबाज जो है वो छूट गए हैं। यहाँ पर सी वी सी की बात करें तो कैप्टन विक्टर लवर्स रहेंगे, वीसी की अगर बात करें तो आप आर वाहिद के साथ जा सकते हो या फिर आप ऊपर से एच खान के साथ जा सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छा खासा पिक रहेगा, या फिर आप ब्रेस डी लीड के साथ जा सकते हो जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है, इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ऐसे जा रहा हूँ भाई एच खान के साथ। तो एक बार मैं टीम सेव करके आपको फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूं टीम का, उसके बाद भाई बात करेंगे यहां पर जो कुछ और अपडेट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए उनके बारे में। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो टीम यहां पर कुछ इस प्रकार की रहेगी, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है ये, अभी आप इस टीम को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब इस टीम को सेव करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, बाकी फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पर आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। अगर टेलीग्राम की बात करें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो @KPM321, सिंपली आपको इतना सर्च करना, आपको हमारा चैनल यहाँ से मिल जाएगा और इसी चैनल पर भाई आपको आके ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, इसी चैनल पर जैसे आप क्लिक करोगे भाई आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना, बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे ही दूंगा, साथ ही साथ टॉस की अपडेट और सारी अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके मतलब अपने स्पॉट फिल कर लीजिए, बाकी फाइनल टीम की अपडेट तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।